बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम अगेन इन अ कोर्स थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। तो दोस्तों, जैसे हमने लास्ट टाइम ट्रांजिशन ग्राफ वगैरह को डिस्कस किया था, तो आज हम बिल्कुल ही एक अलग टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि है क्लीन थ्योरम। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं KALEE, क्लीन थ्योरम। अब बेसिकली होता क्या है, जो भी हमने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, जैसा कि फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर हम लोगों ने पढ़ा DFA, ठीक है, NFA, उसके बाद हम लोगों ने देखा TG क्या होता है, यानी कि ट्रांजिशन ग्राफ, GTG जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं, इवन के रेगुलर एक्सप्रेशन भी जो हम पढ़े। अब जब भी हम कोई DFA बना लेते हैं, NFA हो जाता है, या TG, या जो भी हम बना लें रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह, तो क्या पॉसिबल है कि DFA को जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो चीज़ हमने बनाई है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी है, क्या हम उसको रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं, या रेगुलर एक्सप्रेशन उसका वही बनेगा? क्या DFA का NFA हो सकता है, या TG हो सकता है, या GTG? यानी कि ये आपस में जो भी एक चीज़ बनी हुई है, NFA बना हुआ है, तो क्या उसका रेगुलर एक्सप्रेशन है, या उसको TG भी सपोर्ट करता है या नहीं करता? ये सारी की सारी चीज़ें हमें बताता है कि क्लीन थ्योरम हमें इसकी गाइडलाइन देता है, इसकी इंस्ट्रक्शन देता है, कुछ रूल्स डिफाइन करता है कि हाँ जी, ये इस तरह प्रूव किया जा सकता है कि जो चीज़ हम लोगों ने फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर बनाई है, उसको हम TG के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आंसर विल बी द सेम। तो यही चीज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। क्लीन थ्योरम के अंदर बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो पार्ट वन के अंदर हम तीनों पार्ट को आज ही डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स, ठीक है। पहला पार्ट जो है हमारे पास है, वो है इफ़ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय अ फाइनाइट ऑटोमेटा, देन इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय अ TG एज वेल। क्या मतलब हुआ कि फाइनाइट ऑटोमेटा अगर हमारे पास है, तो फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर हमारे पास DFA हो सकता है, NFA हो सकता है, तो क्या वो वही चीज़ हमें एक्सेप्ट करेगी TG से भी, ट्रांजिशन ग्राफ से भी एक्सेप्ट करेगी, या वो नहीं करेगी? ठीक है, तो यही चीज़ हम लोगों ने देखनी है, और इसको आज हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। ओके, तो एग्जांपल को सॉल्व करने से पहले इसका अगर आप एक लाइन लिख दें, ठीक है, तो उसमें भी हमारा जो है इसका आंसर, इसको प्रूफ किया जा सकता है। इसको प्रूफ किस तरीके से कर सकते हैं? अगर हम ये कह दें कि एवरी फाइनाइट ऑटोमेटा इज रिप्रेजेंटेड एज आर TG, क्या लिख सकते हो आप लोग पेपर के अंदर भी? एवरी फाइनाइट ऑटोमेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय TG। हम लोग जो भी फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं, उसको TG के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी जल्दी से एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे कि हम लोगों को 3 times A लिखना है, ठीक है, तो हम लोग जब फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते थे, A, फिर एक नेक्स्ट स्टेट में हम लोग जाते थे, फिर सेकेंड A, फिर हम लोग क्या करते हैं, थर्ड टाइम हम लोगों ने A लिखा, और उसके बाद हम लोगों ने उसको फाइनल करा दे दिया। इसके बाद हम लोग इसकी डेड स्टेट्स भी बनाते थे। आपको पता है, अगर हम DFA बना रहे हैं, तो हम डेड स्टेट बनाना बहुत लाजमी होता है, जिसके अंदर हम लिखते हैं कि हाँ जी, B अगर आएगा तो एक्सेप्ट नहीं करना, यहाँ पर भी B अगर आ जाएगा एक्सेप्ट नहीं करना, B अगर आ जाएगा एक्सेप्ट नहीं करना, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन इसी की अगर हम ट्रांजिशन ग्राफ बनाएं, तो हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते थे कि इनिशियल स्टेट, आपको पता है ट्रांजिशन ग्राफ में मोर देन वन करेक्टर जो है वो एट अ टाइम ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ट्रांजिशन उसकी हो सकती है, ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल। तो अगर हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं, या यही चीज़ वापस लिखते हैं, तो अगर यहाँ पर हमको स्टेट्स को ख़त्म करना होगा, स्टेट जैसे ही हम ख़त्म करते हैं, यहाँ पर भी हमारा जो रिज़ल्ट है A, 3 times A आ जाएगा, और यहाँ पर भी वही चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये हमारा इस तरह प्रूव होता है। लेकिन हम इसको बेहतर और एग्जांपल देने के लिए हम लोग एक कंसीडर कर लेते हैं कि एक ऐसी लैंग्वेज है हमारे पास जिसके एंड में A और B आता है, और उससे पहले जो मर्ज़ी आ जाए, मतलब कि एंड एट A and B, ठीक है, तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 3 times B आ सकता है, फिर उसके बाद A भी आ सकता है, 2 times आ सकता है, 4 times आ सकता है, जितनी बार मर्जी B आ जाए, लेकिन हमारा जो एंड होना चाहिए वो AB होना चाहिए। ऐसा ना हो कि B एंड जो है एंड में भी B आ रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो उसको अगर हम ड्रॉ करें फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर, तो हमारी इनिशियल स्टेट क्यू नॉट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखें, दैट्स मीन ऐसी लैंग्वेज जो हम कह रहे हैं एंड हो ए बी के अंदर और स्टार्ट में उसमें कुछ भी वैल्यू आ जाए, बी बी की वैल्यू जितनी मर्जी आ जाए, तो हम उसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हम लोग कह सकते हैं बी स्टार एंड देन ए बी, ठीक है। और इसी को अगर हम रिप्रेजेंट करें अपने ग्राफिकल फॉर्म के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, ए यहाँ से कैरी करा लेंगे, देन आफ्टर दैट एक स्टेट हो गई, फिर हमारी ये सेकेंड स्टेट है और ये दिस वन इज द फाइनल स्टेट, ठीक है। इसी के साथ अब ये बी स्टार जो है हमारे पास, बी क्लीन स्टार, इसको हम लोग लूप कर देते हैं, ये हमारे पास ये इस तरीके का आ गया, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसी का अब ऐसा भी कुछ हो सकता है कि ए बी आ जाए, पहले एक एक्सप्रेशन ऐसे आ जाए कि बी हो जाए और उसके बाद हमारे पास ए आ जाए, फिर बी आ जाए, या सॉरी ए आ जाए और फिर बी आ जाए, तो इस तरह हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो हम लोगों को डेड स्टेट भी इसकी बनानी होगी साथ में, कि अगर यहाँ पर कोई भी ए आता है दोबारा तो उसको डेड स्टेट बना दिया जाए, ठीक है। और उसी के साथ लास्ट के अंदर, लास्ट में भी हमारे पास कोई भी वैल्यू आए, कोई भी वैल्यू आए ए या बी, ठीक है, उसको भी हम लोगों को डेड स्टेट में रिप्रेजेंट करना होगा। ये हमारा यहाँ पर फाइनाइट ऑटोमेटा हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। लेकिन इसी के साथ अगर हम इसी का ट्रांजिशन ग्राफ बनाएं, तो अगर हम इसी का, ये हमारा हो गया फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है, उसके बाद अगर हम इसी का ट्रांजिशन ग्राफ बना रहे हैं, तो आपको याद होगा कि ट्रांजिशन ग्राफ हमारा बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, और हम लोगों की इनिशियल स्टेट क्यू नॉट, और उसके बाद हम चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जिसके ऊपर पहले स्टार नहीं है, राइट, हम लोग उसको लिख लेते हैं ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर ताकि हमारे लिए ईज हो जाए। तो ए और बी को हम ए की उसमें लिख लेते हैं और दैट इज द फाइनल स्टेट क्यू वन, ठीक है, इसको हम फाइनल स्टेट बना देते हैं। अब उससे पहले हमारे पास बी का स्टेरिक है, क्लीन स्टार है, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो, अब हमने दोनों बना दिए, अब हमारा जो प्रूफ था, प्रूफ हमने यही करना था कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारा एक रेगुलर एक्सप्रेशन है या कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो हमारी फाइनाइट ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट करती है, वही चीज़ हमारी ट्रांजिशन जो है ग्राफ उसको भी रिप्रेजेंट करेगी, टीजी को भी रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो उसके लिए हम अगर कुछ एग्जांपल्स ले लें, अगर फर्स्ट कीजिए हमारे पास 3 times b है या 4 times b है, देन हमारे पास ए बी है, तो हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास ये इसके ऊपर भी रिलाई करता है और इसके ऊपर भी रिलाई करता है कि नहीं करता। अगर इन दोनों में से ऐसा हुआ कि भाई यहाँ पर हो गया है, यहाँ पर कैरी कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो दैट्स मीन हमारा प्रूफ जो है वो सही नहीं है, हम लोग गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पर कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है, या ये पूरा थ्योरम ही गलत हो गया, क्योंकि कोई भी चीज़ ये रिप्रेजेंट नहीं कर रही आपस में। तो देखते हैं, अगर हमें बी को कैरी कराना हो, तो हम जानते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर हमारे पास पहली स्टेट के ऊपर बी जो है वो हमारा लूप में है, तो 1 time b आ गया, उसके बाद 2 times b आ गया लूप के चलते हुए, 3 times b आ गया, 4 times b आ गया, जितनी बार मर्जी बी आ जाए हमें कोई परवाह नहीं है, वो हमारा उसको कैरी कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दैट्स फाइन। फिर उसके बाद ए है, जस्ट हमारी जो नेक्स्ट स्टेट है वो हमारी ए बन रही है, ए ने इसको भी कैरी कर लिया और ये भी हमारा रिप्रेजेंट हो गया, और उसके बाद बी है, अगर यहाँ पर कुछ और आ जाता तो ये गलत हो जाएगा, ए जो है डेड स्टेट में चला गया, तो बी ही एक्सेप्टेबल है, तो हमारे पास बी आ गया। तो ये तो हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर हमारा ये रिप्रेजेंट हो चुका है। अब ये देखते हैं क्या इसके अंदर भी रिप्रेजेंट हो रहा है, तो हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि बी हमारा लूप चल रहा है पहली स्टेट पे, तो हमारे 4 जो बी हैं जितने भी टाइम मर्जी आ जाए वो बी रिप्रेजेंट करेंगे, देन आफ्टर दैट ए एंड बी, और ए और बी भी आ गया। क्या अब यहाँ अगर हम दूसरी एग्जांपल लें, अगर 3 times b आ गया, ए बी और फिर उसके बाद बी आ गया या ए आ जाए, क्या वो रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ तक तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं,
नहीं कर, ये ओके सॉल्व हो गया, लेकिन अब एंड में बी आता है। तो ये जब हमारे पास बी आने के बाद हम फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते हैं, और उसके बाद हमने शो करा दिया है कि चाहे ए आ जाए या बी आ जाए, कोई भी वैल्यू उसकी आ जाएगी, दैट विल बी ऑन द डेड स्टेट, वो हमारी जनाबला ट्रैप हो जाएगी, डेड स्टेट के अंदर आ जाएगी, तो हम लोग उसके बाद उसको आगे कैरी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ, ये जो लैंग्वेज है हमारी यहाँ पर कैरी नहीं करती, रिप्रेजेंट नहीं करती। अगर ये यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करती तो इसको चाहिए कि ये वहाँ पर टी जी के अंदर भी रिप्रेजेंट ना करे। अगर ऐसा ही हुआ देन हमारा जो प्रूफ है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि हाँ जी दोनों में रिप्रेजेंट नहीं किया, तो दोनों ही इक्वल हैं। और हम यही बात प्रूफ करना चाह रहे हैं कि अगर ऐसी चीज़ जो हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर रिप्रेजेंट हो रही है, प्रूफ हो रही है, तो वही चीज़ हम लोग ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर भी उसको कैरी होना चाहिए। तो बी लूप लगा हुआ है और हम लोग बी को सेटिस्फाइड करते हैं, उसके बाद ए एंड बी, देन हम फाइनल स्टेट में पहुंच जाते हैं, और फाइनल स्टेट का मतलब फाइनल स्टेट होता है, उसके बाद हम लोग कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर आप लोगों को याद होगा कि हमें कोई भी ज़रूरत नहीं होती कि हम डेड स्टेट बनाएं, ट्रैप स्टेट बनाएं, कोई भी इस तरह की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये बिल्कुल थ्योरम जो है पहला वो ख़त्म हो गया जी। सेकंड जो थ्योरम है हमारा, सेकंड पार्ट जो है थ्योरम का, मैंने आपको पहले बताया कि जो थ्योरम है क्लीन थ्योरम, उसके बेसिकली थ्री पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट जो है वो हम लोगों ने कर लिया कि फाइनाइट ऑटोमेटा को किस तरीके से हम ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर भी टीजी के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो सेकंड है कि अगर हमारा जो ट्रांजिशन ग्राफ है, पहले जो है ट्रांजिशन ग्राफ से अगर कोई भी चीज़ एक्सेप्ट होती है, एक लैंग्वेज एक्सेप्ट होती है, तो क्या उसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन पे भी लिख सकते हैं? तो क्या है थ्योरम हमारा सेकंड पार्ट, इफ अ लैंग्वेज कैन एक्सेप्टेड या एक्सप्रेस्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय टीजी मतलब ट्रांजिशन ग्राफ, देन it can also so be expressed by regular expression। ये बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। इसका आज बेसिक्स है, एक मैं आपको एग्जाम्पल करा दूंगा, और नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स हैं उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना के या आपको लोगों के साथ स्लाइड जो है वो शेयर कर दूंगा इसकी, ठीक है। तो इसमें अभी सिंपल ये है कि कोई भी ट्रांजिशन ग्राफ जो है क्या हम उसको रेगुलर एक्सप्रेशंस के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो जी आप बिल्कुल कर सकते हैं, और हमने उसी को प्रूफ करना है। अभी देखिए, कोई भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जितनी भी हमने पढ़ी है, चाहे वो DFA हो, चाहे वो NFA हो, चाहे वो हमारे TG हो, GTG हो, वो सब की सब जो है हमारे, हम लोग उसको रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ डिनोट कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी करके भी आ चुके हैं, लेकिन अब हमने इसको प्रूव करना है। तो कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? एक प्रोसेस है, दैट इज द स्टेट एलिमिनेशन। हम लोग स्टेट्स को एलिमिनेशंस करते हैं, उसको स्टेट्स उसके निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी एक बिल्कुल स्मॉल सी एक एग्जांपल जो हमने अभी की थी कि एक हमारे पास स्टेट है, ठीक है, और हम लोगों ने पास किया ए बी को, ठीक है, और उसके बाद हम लोग अगर हम इस तरीके से कर दें ए को ए बी को, ठीक है, और या इसको इस तरीके से बना लेते हैं ए बी, ठीक है, और उसके बाद ये हमारा फाइनल हो गया क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, और यहाँ पर हमारे पास आ गया बी। कोई भी हमारे पास ट्रांजिशन ग्राफ हो सकता है या कोई भी हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा कुछ भी है, तो ठीक है। तो हम लोगों ने ये रिप्रेजेंट किया, अब हम इसको लेके आना चाहते हैं अपने रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना चाहेंगे कि जी स्टेट्स को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि या स्टेट्स जो है हमारी वो एलिमिनेट हो, कम से कम हो, उससे हमें पता लग जाएगा कि क्या हो सकता है। तो हम लोग अगर सेंटर वाली स्टेट्स को ख़त्म कर दें तो हम लोग लिख सकते हैं ए और बी, जी बिल्कुल लिख सकते हैं ए और बी, तब भी हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
और फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो बिल्कुल स्मॉल सी एग्जांपल ली है, नेक्स्ट में आपको और मजीद एग्जांपल लूंगा ताकि वीडियो जो है उसके लिए बिल्कुल एक अलग सेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास स्टेट्स जो थी एक्स्ट्रा स्टेट वो हमारी इलिमिनेट हो गई और हम ई बी पे आ गए, और जो फर्स्ट स्टेट है हमारी इनिशियल स्टेट और सिर्फ फाइनल स्टेट बच गई। तो हमारे पास ये बी जो है लूप है, तो हम बी को स्टार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके बाद हमारे पास ए और बी आ गया, ये हमारा क्या हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन इसका बन गया, ठीक है। तो दैट इज पार्ट टू, अभी हम पार्ट थ्री को इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद हम लोग अभी थर्ड जो है क्लीन थ्योरम देखते हैं। तो थर्ड जो क्लीन थ्योरम है उसके अंदर हमारा सॉरी रेगुलर एक्सप्रेशन, अगर कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन, अच्छा ये बहुत आसान है जो थर्ड थ्योरम है, क्यों आसान है, क्योंकि हम ये काम बहुत बार और अब तक यही काम हम करते आ रहे हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी जो रेगुलर एक्सप्रेशन में है हमारे पास उसको हम क्या फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जो भी चीज़ हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन में है उसको हम फाइनाइट ऑटोमेटा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अगर हम इसकी एक मिसाल लें, एग्जांपल लें कि ऐसी लैंग्वेज जिसमें एक बार ए ज़रूर आता हो और उससे पहले कुछ भी आ जाए, तो क्या हम उसको क्या पहले तो हम उसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर। तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले कि जी ए दे लाजमी आना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि या हम कह दें कि जी टू टाइम्स ए ने लाजमी एट अ टाइम आना है, इस तरीके से कर लें। और उससे उसके बाद चाहे ए आए चाहे बी आए जो मर्ज़ी आ जाए हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम सेंटर में टू टाइम्स ए लिख दिया, सेंटर में ए आना चाहिए टू टाइम्स, और उसके बाद ए प्लस बी ऐसा लिख सकते हैं कि एंड में जो चीज़ मर्जी आए चाहे बाद में ए आता रहे या बी आता रहे हमें परवाह नहीं, या कुछ भी ना आए तब भी परवाह नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ए प्लस बी स्टार्ट में भी ऐसी तरीके से हो सकता है। अब अगर हम इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएं, फाइनाइट ऑटोमेटा भी क्या बन सकता है और वो इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, तो जनाब आपको पता ही है कि सबसे पहले हम लोग वो चीज़ बना लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास स्टार ना हो, तो हमारे लिए ईज होता है, तो वो नॉट है हम लोग लिख सकते हैं ए। फिर सेकेंड स्टेट हम लोग बना सकते हैं क्यू वन की, फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं ए। देन आफ्टर दैट हम लोग ए प्लस बी होल के स्टार है, तो हम लोग को पता है कि जनाब वाला ए और बी आ जाएगा, यही हमारी फाइनल स्टेट है, दिस वन इज़ आवर इनिशियल स्टेट। लेकिन स्टार्ट में हमारे पास पहले भी ए और बी आ रहा है, हम लोग फाइनल एन एफ ए के अंदर ये भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर अगर हम कोई ऐसी लैंग्वेज ले लें, मतलब कि हम लोग ऐसे चेक करते हैं कि हाँ ये चीज़ आती है, जिस तरीके से हम लोग फ़र्ज़ कीजिए इसमें हम लिख देते हैं कि ए ए बी आ रहा है हमारे पास, तो हम लोग ए और ए बी, क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? हाँ जी, एक अगर यहाँ से नल हो जाता है, ठीक है, हमारे पास ए प्लस बी है, हम इसको नल कर सकते हैं क्योंकि स्टार है, तो ए और ए हमारे पास आ गया, ये हमारा रिप्रेजेंट उसको कर रहे हैं, और यहाँ से हम लोग बी ले सकते हैं, यस सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर देखें, एन एफ ए के अंदर देखेंगे, तो ए और बी आ रहा है, इसको हम नल कर सकते हैं, लूप लगी हुई है, फिर हमारे पास ए कैरी हुआ और ए कैरी हुआ, जी बिल्कुल ए और ए कैरी हो गया, और उसके बाद हम लोग सेकंड में बी ले लें, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन उसकी आ गई, ठीक हो गया। अगर हमारे पास कोई ऐसी लैंग्वेज आ जाती है जिसमें हम कहते हैं बी ए बी ए बी, टू टाइम्स ए आ गया, हमारी कंडीशन ये होगी, लेकिन टू टाइम्स ए जो है वो बिल्कुल साथ ही होना चाहिए इसका। तो हम अगर ये देखें तो जनाब वाला बी रिप्रेजेंट कर सकता है, बिल्कुल हो सकता है, फिर ए ए बी अगर हम लेना चाहें इसी से तो हम ए को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर हम बी लेना चाहें इसी से इसमें कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये टू ए आ रहा है वो यहाँ पर कहीं पर भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहा, तो यहाँ के लिए हमारे पास ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एंड दिस वन अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं तो सेम केस इसी के साथ होगा, बी भी आ जाएगा ए भी आ जाएगा, यहाँ तक ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ये भी एक्सेप्ट हो गया, बी आ गया और ए एक्सेप्ट होने के बाद यहाँ पर भी एक्सेप्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास बी एक्सेप्टेबल नहीं है, और अगर हम डी एफ ए होता तो हम इसको बी को ट्रैप में डाल देते, ठीक है। तो ये हमारे पास बी एक्सेप्टेबल नहीं है, हमें चाहिए कि हम टू टाइम्स जो है ए कॉन्टीन्यूस हमारे पास आ रहा होगा और हम उसके साथ लेके चलेंगे और उसके बाद हम लूप चलाएंगे,
ठीक है। तो ये हमारा थर्ड जो प्रूफ है वो भी हमारा जो है सॉल्व हो गया, ठीक है। तो हमारा क्लीन थ्योरम जो है वो यहीं तक, तो दैट इज़ फॉर टुडे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम उसके और ज़्यादा मज़ीद एग्जांपल के साथ देखेंगे। थैंक यू सो मच।